नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इस पर एक सूचना देनी थी, बिजली विभाग वालों को थोड़ा सा दृष्टि डालें इस चीज़ पे कि इस रोड पे जो कि एएलटी सेंटर से रईसपुर तक जाती है, एम ब्लॉक तक जाती है रोड, इस रोड पे अंधेरा ही अंधेरा है। कल को कोई लूटपाट होगी तो फिर किसके नाम आएगा। तो इस पे पहले कुछ समय पहले तक लाइट जलती थी, सारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। आपको यहाँ मैं क्या दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे, मैं थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर एक पकड़ भी हो चुकी है इसी रोड पे आगे जाके कमला नगर के पास। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में जिसमें सुरेश जी का लड़का उठ गया, यानी कि उसे पकड़ लिया गया था 3 लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। ये रोड ऐसी हो चुकी है इस समय, पहले कुछ समय पहले तक खूब अच्छी लाइट रहती थी कि रात को 10 बजे कोई आए तो आराम से घर पहुँच सकता है, लेकिन अब ऐसी हो चुकी है कि आने से लोग डरेंगे। ये अस्पताल वाली रोड है, यहाँ संयुक्त अस्पताल भी है पीछे, संयुक्त जिला चिकित्सालय इस साइड, पीछे साइड से उसी रोड पर हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं। बस टहल सकते हैं, लेकिन रात को अगर कोई आना चाहे तो सुनसान इलाके में कुछ भी चोरी चपाटी हो सकती है यहाँ पे। तो संज्ञान में ले मामला कि इस पर लाइट फिर से लगाई जाए या लाइट का कनेक्शन दिया जाए। समझ सकते हैं जब गाड़ी आती तभी रोशनी आती है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं है। चोरी चकारी कठिनाई ना हो इस चक्कर में प्लीज़ संज्ञान दीजिए। UPPCL वाले अगर कुछ सुन रहा हो, इस वीडियो देख रहा हो, इस वीडियो को मैं ट्वीट भी करूँगा उनके ट्विटर हैंडल पे। देखें इस जगह लाइट लगी हुई थी, अभी जल नहीं रही। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान दें। इस देखो ये सामने स्ट्रीट लाइट है, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको पता नहीं, लेकिन ये बंद पड़ी है इस समय, मेरे तो फ्लैश से भी नहीं दिख रहा यार, अब भी नहीं दिखाई दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो पर ध्यान दें, काफ़ी गंभीर मामला है। एक बच्चा उठ चुका है इसी रोड से आगे जाके, दूसरा ना उठे इससे पहले लाइट लगाई जाए और चलाई जाए। तो मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। अगर आपके जानकारी में कोई है UPPCL से, इसको टैग करें, उसको शेयर करें और लाइट पर ध्यान दिया जाए। बाय बाय।